हेलो, उस कुत्ते को फोन दो। अपनी सांसें पकड़ के रखना। खबर सुनने के बाद जान मुंह से बाहर ना आ जाए। सर पे कफन बांध के चलने वाले जान के नहीं सम्मान की फिक्र करते हैं। कबीर चाचा, आप चिंता मत करिए, मेरा जीना इतना जरूरी नहीं जितना इसका मरना जरूरी। पहाड़ी के किले के पास पहुंच जाना, पता चल जाएगा कि असली मर्द की पहचान क्या होती है। आ रहा हूं। माफी तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। अगर आप नहीं होती तो दाऊद को यहां तक नहीं ला पाते। अब देखते हैं तकदीर जीत की माला किसे पहनाती है। आपके साथ के लिए आपका शुक्रिया। जा सकती हैं। कबीर, बदनसीबी का दाग लेकर जो हाथ अब्बू और दाऊद हसन से भी ज्यादा मजबूत लगा, उसका सहारा भी नहीं मिल पाया मुझे। सहारा बनकर भी क्या कर लेंगे जब दुनिया में वही नहीं है जो हमारी दुल्हन को देखना चाहती थी। आगे क्या होगा ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अगर उससे मिलने का मौका मिला तो जरूर देखेंगे। वो कितनी खूबसूरत थी कि उसके लिए एक आदमी सरहद तक पार कर गया। हिंदुस्तानी हाथ है, एक बार पकड़ लिया तो सात जन्म नहीं छोड़ता है। औरत को मोहरा बनाकर मर्द होने का फख्र करता है। औरत को मर्द मोहरा बनाता है तो बच्चे को मोहरा बनाने वाला नामर्द होता है। ठहरिए हसन साहब, मौत के सौदागर कभी किसी मुल्क की सियासत के बादशाह नहीं बन सकते। शहनाज, अल्लाह के वास्ते कुछ मत कहिए अब्बू। आपकी असलियत जानने के बाद हमारी आंखें खुल चुकी हैं कि हमारे अबू कोई नेक इंसान नहीं है। आप तो एक दहशतगर्द हैं। ये जुबान तेरी नहीं, इसकी है। शहनाज, इसके बदन का खून आपके पैरों का महावर बनेगा। पैर लगा दीजिए आप अपनी पूरी ताकत इन्हें मारने में, और हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे इनकी जान बचाने में। ना मुराद लड़की। देखा हसन साहब, किसी नेक इंसान का खून कभी पांव का महावर नहीं बल्कि मांग का सिंदूर बनता है। अब दहेज में कफन भी तैयार रखना शहनाज। दहेज में कफन नहीं दाऊद हसन, पूरा पाकिस्तान लेकर जाऊंगा। साले, बहुत दौड़ाया तूने मुझे। मार दाऊद हसन, और मार, इतने भी थक गया तू, अभी तुझे और भगाऊंगा। तेरे घर से निकाल दिया 150 किलोमीटर ले। अब तू अपनी मौत की सीमा रेखा से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है दाऊद हसन।
रुक जाओ दाऊद हसन, वरना तुम्हारी ये माशुका तुम्हारी तकदीर का फैसला कर देगी। अपने आदमियों से कह दो कि बंदूकें फेंक दें। ए, दाऊद हसन, इसने तेरी माशुका को उठाकर दुल्हन बना लिया। सोच तुझे क्या बनाएगा। और तू हैदर अली, ऊपर वाले का शुक्र अदा कर, क्योंकि तूने तो अपनी बेटी के लिए ना मर्द चुना था लेकिन बेटी ने मर्द चुना है। शहनाज की शादी का लड्डू अगर पाकिस्तान नहीं भेजा तो मैं अपने हिंदुस्तान का बेटा नहीं। एक अदना सा वो हिंदुस्तानी हमें ये बता गया कि जिसे हमने शेर समझा था मर्द, वो यकीनन गीदड़ है। उसके लिए जान देने में बहुत मजा आता है। पहलवान आज तक तो नालायक था लेकिन लायक की मौत मरेगा, वो भी अकेले नहीं, दोनों को लेके। आजा,